हेलो फ्रेंड्स और दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और आज साल नए साल का पहला दिन है और आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस नए साल पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और हमने सोचा चलिए नए साल की शुरुआत जो है वो मंदिर से की जाए, टेम्पल से की जाए। तो आपको ले चलते हैं आज यहाँ जो मेरे सिटी में सबसे बड़ा एक हिंदू टेम्पल है, तो उसमें हम जा रहे हैं और आपको भी साथ में ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, ये जो टेम्पल है इसका ये मेन गेट है, ये देखिए जहाँ से हम अब एंटर कर रहे हैं ये। और ये देखिए, ये इसका गेट है यहाँ से। और ये जो टेम्पल है दोस्तों, इसकी जो टोटल यहाँ पे लैंड है ये 100 एकड़ का है। तो जिन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था उन्होंने पहले ये लैंड परचेज किया 100 एकड़ का। और ये जो भी आप यहाँ पे जंगल उंगल देख रहे हैं सब इस टेम्पल की प्रॉपर्टी है ये सब। तो फिर अंदर जाके जो है काफ़ी बड़ा टेम्पल है, नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा कि नॉर्थ अमेरिका का जो है सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सामने ये टेम्पल है, देखिए कितना बड़ा टेम्पल है। और यहाँ पे जो है हमारा इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, यूएस का फ्लैग भी है। और ये देखिए, ये टेम्पल के बैक साइड में जो है ये यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा सा पार्क है। और यहाँ पे इन्होंने थोड़े बहुत झूले लगा रखे हैं। और ये टेम्पल का फ्रंट है, देखिए कितनी खूबसूरती से जो है इसको सजाया गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे टेम्पल के बिल्कुल सामने जो है एक यज्ञशाला इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो है आप यज्ञ करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, और अगर किसी को मैरिज का अरेंजमेंट कराना है तो वो यहाँ पे मैरिज के अरेंजमेंट भी होते हैं। और यहाँ पे आप मैरिज या बाकी कोई फंक्शन भी करवा सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है ये मेन एंट्रेंस है टेंपल का, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। और एक यहाँ से बैक साइड से जो है जहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ से भी आप टेंपल के बेसमेंट में एंटर कर सकते हैं। तो ऊपर जो है वो टेम्पल है और नीचे बेसमेंट में काफ़ी बड़ा हॉल है डांस वांस प्रोग्राम वोग्राम के लिए और खाने पीने के अरेंजमेंट के लिए नीचे बेसमेंट में है। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, जिन जिन लोगों ने टेम्पल को बनाने में अपना योगदान दिया है उनका नाम यहाँ पे ईंटों पे लगा के यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। तो अगर आप भी जो है टेम्पल के लिए दान देना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर अपना फ्रेम करवा सकते हैं। और ये टेम्पल का मैं पहले आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा इनका ऑफिस है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी और भी जो पूजा की सामग्री है वो यहाँ पे आपको यहाँ से आप ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब आपको जो टेंपल का जो मेन हॉल है उसमें ले चलता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति है, रामचंद्र जी सीता जी की मूर्ति है, और जो तीनों देवियाँ हैं शेरावाली माता लक्ष्मी माता सरस्वती माता उनकी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, और गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की है, और शिवलिंग भी है यहाँ पे बहुत बड़ा। और उसके अलावा जो है नवग्रह भी यहाँ पे अदर साइड में है, और देखिए कितना बड़ा ओम यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे आप अपने नॉर्थ के किसी टेंपल में जा रहे हो। तो चलिए कुछ प्रवचन सुनते हैं आप पुजारी जी के। स्क्रिप्चर से विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, हु हैज ऑल द ट्रेजर ऑफ नॉलेज ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, व्हेन यू हैव मनी यू हैव सो मच फियर, व्हाट टू डू विद दैट मनी, टू प्रोटेक्ट दैट मनी। न चौरहार्यम दिस विद्याधन द नॉलेज, यू डोंट हैव एनी फियर फॉर स्टीलिंग, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम, योर ब्रदर कैन नॉट टेक इट as a division, when we do divide, that is all your treasure. Na chaurahariyam na bhratrivrajyam. And the one good thing is, as much as you spent, it grows. Other money you spent, it goes away, right? But vidyadhanam is daye krate vardhat eva nityam. As much as you spent, means you do lot of practice, achieve goals, all kind of vidyaye prate vardhat eva nityam, it grows day by day, and that is why it's called vidya dhanam sarva dhana pradhanam. अब पूजा समाप्त हो गई है, आरती भी हो गई है, और अब सब लोग जो है नीचे बेसमेंट में ये देखिए लंच के लिए चले गए हैं। लंच यहाँ पे जो भी ट्रस्टी हैं वो सैटरडे संडे में लोगों के लिए लंच का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये देखिए सब अब नीचे बैठ के अपना आराम से लंच एंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर दोस्तों और टेम्पल में जो है एक साइड में राइट हैंड साइड में वो जो नवग्रह हैं उनकी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, शनि है राहु है केतु है और बाकी जितने भी ग्रह हैं बुध शुक्र सबकी जो मूर्तियां हैं लोग उसकी परिक्रमा भी करते हैं सैटरडे को। और एवरी मंडे दोस्तों शाम को तकरीबन 6-6:30 बजे जो है वो शिवलिंग पे अभिषेक होता है, दूध से नहलाया जाता है और बाकी घी से और दही से उसका अभिषेक किया जाता है, प्रॉपरली उसको सजाया जाता है। तो एवरी मंडे भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है इवनिंग में। तो वीकेंड्स पे जो है यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ होता है, कभी कुछ और प्रोग्राम होता है, कभी माता का जगराता होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेंपल का कैलेंडर होता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कब कौन सा प्रोग्राम है। और अब मैं आपको टेंपल के बैक साइड में ले जा रहा हूँ। ये देखिए ये टेंपल का बैक साइड है, काफ़ी बड़ा लॉन है यहाँ पे। और वो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था पहले, ये सामने पे यहाँ पे जो है पार्क है, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं। और ये देखिए ऊपर जो है मेन टेंपल है और ये नीचे बेसमेंट है। और ये देखिए बैक साइड में स्टेज है, यहाँ पे भी जो है कभी कभार जो कुछ बड़ा फंक्शन करना हो तो सामने ग्राउंड है और यहाँ पे फंक्शन जो है होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंक्शन जो है टेंपल के अंदर ही होते हैं क्योंकि जो टेंपल का एरिया है काफ़ी बड़ा है, तो बहुत बड़ा फंक्शन जो है टेंपल में ही हो जाता है। और नीचे बेसमेंट में भी जो है काफ़ी बड़ा स्टेज है यहाँ पे, और होली का प्रोग्राम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। नवरात्रों में जो है वो यहाँ पे डांडिया भी बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों मैंने यूएस में कई जगह बहुत से सिटीज़ में मैंने टेंपल देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मैंने
यही देखा कि साईं बाबा का टेंपल होता है या फिर जो टेंपल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर पुजारी जो हैं वो साउथ इंडियंस होते हैं और मतलब उस तरह की पूजा ज़्यादा की जाती है, और अपने नॉर्थ इंडिया के जो हिसाब से जो पूजा होती है वो बहुत कम मैंने टेंपल्स में होते हुए देखी है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो तीन मेन पुजारी हैं वो नॉर्थ इंडिया के ही हैं और एक पुजारी साउथ इंडिया के हैं, बाकी तीन चार जो पुजारी हैं वो नॉर्थ के हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है पंजाबी लोग और जो नॉर्थ इंडियंस है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस टेंपल में, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा एक अपने हिसाब से। और दोस्तों वीकेंड पे जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी वो ये है कि वीकेंड पे जो है वो बच्चों को अपने कल्चर के बारे में और जो हमारी रामायण है महाभारत है उसके उसको जो है सुनाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। जो वॉलंटियर्स यहाँ पे होते हैं वो क्लासेस लेते हैं बेसिकली बच्चों की, और बच्चों को जो है इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसा हमारा इंडियन कल्चर है, क्या होता है, तो वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। और दोस्तों एजुकेशन क्लासेस के बाद जो है यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है वो बच्चों को योग भी करवाते हैं, तो आधा घंटा जो है उनको जैसे रामदेव बाबा इंडिया में योग करवाते हैं लोगों को, तो इस तरीके से यहाँ पे वो बच्चों को योग सिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ जो अमेरिका में है हमारे इतने रिलेटिव या इतने ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं हैं, जैसे इंडिया में आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं वीकेंड पे, आप कभी किसी के यहाँ चले जाते हैं कभी कहीं चले जाते हैं, तो हम लोग तो जो है ज़्यादातर यहाँ टेम्पल में आते हैं। ये टेम्पल हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी, और मंदिर में आके आपको थोड़ा धार्मिक चीज़ों में आपका ध्यान रहता है और बहुत शांति मिलती है यहाँ आके मन को, और बच्चे भी कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं और आप भी सीखते हो बहुत सी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ टेंपल में आके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चलिए मिलते हैं आपसे अब किसी नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।